बहुत सारी डाल दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। तो मैं ठीक हूँ, तो मैं आ गई हूँ अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और आज हमारे चौथे रोज़े की सैरी है, और मैंने कहा कि आज सैरी से ही हम स्टार्ट करते हैं। और आज सैरी में क्या बनाने वाले हैं, तो चले चलते हैं और बनाते हैं साथ। सो लेट्स गो, प्रिपरेशन सारी रेडी है। तो जी अभी ये सारा हम सामान लाए हैं सब्ज़ी मंडी से, पर मैंने कहा कि सैरी कर लेते हैं एंड देन फिर ये सारा सामान धो के जगह पे रखेंगे। तो जी सुमैया बना रही है छोटे छोटे से पराठे और हमना सेक रही है, क्योंकि मैं छोटे पराठे बना रही हूँ ना, मैंने कहा जल्दी जल्दी बनाए, सैरी का टाइम हाँ, बहुत हो गया है, बहुत हो गया। तो हम सभी ये पराठे बन गए, प्यारे से प्यारे लग रहे हैं। हमना बहुत प्यारे सेक रही है। नाइस हमना, हमना ने आटा भी गूंदा है। मैंने कितने प्यारे बेली हैं, गोल रोटियाँ बनाती है। हाँ आजकल की लड़कियाँ गोल रोटियाँ बना सकती हैं जी, बिल्कुल। ये देखें, ये लड़की नहीं बनाई है, ये इस लड़की ने बनाई है। और सेक भी अच्छे सकती है। खूबसूरत मेहंदी के साथ मेहंदी दिखाओ। जी हमारी सैरी रेडी हो गई है, हम अब सैरी करते हैं एंड देन फिर आप सुनते हैं। हाँ तुम तारीफ कर लो अपने पराठों की। तो जी जितना भी फ्रूट लाए थे वो मैंने सब धो के यहाँ रख दिया है, और मुझे नींद से बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो फिर सुबह आपसे मिलते हैं। तो जी सुबह उठते ही मुझे काम के लिए निकलना पड़ा, मैंने नमाज़ पढ़ी और ड्राइवर अंकल आ गए थे और मैं पहुँच गई अपने काम पर। तो जी अब आ गए हैं हम अपने काम पे, सुबह सुबह उठते ही मैं आ गई हूँ सीधा डायरेक्ट। अब यहाँ से फ्री हो गए, कब जाऊँगी घर तो तब मिलेंगे एंड इफ्तारी क्या बनाएंगे, और लाइट ही बनोगे फिर आपको बताएंगे। तो मिलते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। तो जी मैं आते आते मुझे बहुत लेट हो गया था, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। मैंने आते ही फ़ौरन आटा गूंदा, और भाई ने दो दफ़ा कॉल करके मुझे बोल दिया था कि आज तुम्हें लाजिम डम्पलिंग्स बनाने हैं। तो बस मैंने आके जल्दी से सारी प्रिपरेशन तैयार की, और मैंने इस बार कच्चा कीमा लिया था। इससे ये होगा कि जो हमारे डम्पलिंग्स है वो सूपी टाइप के बनेंगे, और भाई ने कहा था मुझे सूपी टाइप का चाहिए। बस इसमें नमक, काली मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और सोया सॉस डालेंगे। दैट्स इट, ये रेडी हो गया है एंड देन फिर इसके हम लाइक डम्पलिंग्स बना लेंगे एंड स्टीम कर लेंगे, कि हमें ये स्टीम करना। तो जी सुमैया बना रही है चने की नहीं सॉरी माछ के दाल के दही बड़े, और वो बहुत टेस्टी बनाती है। और इसने रेसिपी नहीं शेयर की जस्ट बिकॉज ऑफ मी, मैं लेट हो गई जैसे कि, तो इसने पहले से बैटर बना के रख दिया था। कोई बात नहीं, मैं अगली दफ़ा ये फिर से बनाएगी तो ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी। तो जी आज बहुत जल्दी जल्दी सारा काम हो रहा है, यहाँ पे माछ की दाल के सुम पकौड़े दही बड़े बन रहे, और इतने ठंडे तेल में डाल दिया। कल मैंने जो मोमोज बनाए थे ना, मोमोज डम्पलिंग बनाए थे, भाई को इतने पसंद आए, उसने आज फरमाइश में बनवाया। उसने कहा आज स्टीम वाले बनाने हैं, और ये सुमैया आ गई है। पांच छह लोग बेल रहे थे, किससे नहीं बेल रहा था, सुमैया से ही बेल रही। आज अफीरा बना रही है क्रीम चीज बर्न। हाँ तो मैंने सोचा कुछ मैं भी बना लेती हूँ, क्योंकि आज मरियम बाजी आई हैं। हाँ आज मरियम बाजी आई हैं, उनको हमने दावत दी है, और लेकिन सब काम बहुत भाग भाग के हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी लेट आने की वजह से सब काम लेट हो रहा है ना। हाँ पकौड़े भी बन रहे हैं, मुझे लगता है आधे बन रहे हैं और आधे खाए जा रहे हैं। कौन खा रहा है? कोई भी नहीं खा रहा है। भाई के कल अलग उसने कपड़े मंगाए, और आज उसको गिफ्ट आ गया बांग्लादेश से, क्या ही बात है। आज सब जल्दी जल्दी सब चीज़ें रख दी, बस ऐसी रोज़ा खुल गया है, दो मुझे भी खजूर दो। नहीं सब कुछ सही था, अब हम पी रहे हैं चाय जो मरियम बाजी ने बनाई है। क्या वो चीनी नहीं डाली? चीनी डालो, थोड़ी सी डाल दो मुझे चीनी। चलो भाई मैं घर में। अरे बहन, अरे वो इतनी सारी डाला, बहुत सारी डाल दी, कसम से बहुत सारी है।
तो जी मैं जा रही हूँ वली लेने, मेरे घर वालों को तो बिल्कुल भी सुकून नहीं। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने इफ्तारी करी, फिर उनके साथ चाय भी है, उनको वलीले खाने, मतलब भाई पेट है या कुआ, मुझे लगता है इनका कुआ है, बिकॉज इतना खा रहे हैं। मैंने इफ्तारी के बाद कुछ भी नहीं खाया ना, चाय पी और मुझे वलीला भी नहीं खाने देंगे। क्या करूँ मैं, मेरी बहुत जिंदगी बस कुछ हो गई है। मैंने ले लिया है यहाँ से, मैंने तीन बलीलियाँ ली हैं और चले अब घर चलते हैं। ये कितने कम लाई है? खा के तो ये अफीरा मैं तो कोई बात नहीं जो आगे। जी हमने कल खाया था और आज हमने मंगाया, लेकिन आज उसने बहुत ज़्यादा कम दे दिया, पता नहीं क्यों, अजीब। चलो खाते हैं हम लोग। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी अच्छे से हो गई थी एंड हमने चाय वाय भी पी ली, मरीम बाजी के साथ हमने बातें बातें की, काफ़ी इन्जॉय किया। अभी सब बहनें तरावियाँ पढ़ने गई थी, मैं नहीं पढ़ने गई थी, मैंने घर में ही पढ़ ली और नमाज भी पढ़ ली, और अभी उनका वेट करते हैं और देखते हैं कि आगे आगे क्या बीती होगा। तो जी आज जो डम्पलिंग्स बने थे ना यार, इतने मज़ेदार और टेस्टी, हमने तो बहुत सारे खाए और अभी मेरा फिर दिल चाह रहा है खाने का, अब मैं निकालती हूँ थोड़ा खाती हूँ। तो जी मैंने कहा मैं आप लोगों को सॉस दिखाती थी, मैंने ये सॉस निकाला, ये सॉस मेरे इतना फेमस हुआ है कि मेरे भाई को इतना पसंद आया, इसलिए आज इतने सारे इसने मुझसे डम्पलिंग्स मिले हैं। तो सॉस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास ये सोया सॉस होना चाहिए, मैगी का ये बहुत अच्छा सोया सॉस है और ज़बरदस्त लगता है डिप सॉस के लिए। तो हम पहले थोड़ा सा ये डालेंगे, ठीक है, जितना आपको खाना है उतना डालें, एंड देन इसमें हम थोड़ा सा डालेंगे सिरका, ठीक है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। और इसमें बारीक कट करके आप प्याज भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी प्याज ऐड नहीं कर रही, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगेगा। और थोड़ा सा शत्ता भी डालना है, वेट, हाँ जी, तो थोड़ा सा हम शत्ता भी इसमें डाल देंगे और ये हमारा सोया सॉस बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा रेडी हो गया। अगर आपको डम्पलिंग्स बहुत पसंद है तो उसके साथ तो ये लाजवाब लगता है। इसमें बस थोड़ा सा आप बाद में यानी और इन्वेंटेशन ये कर सकते हैं, इसमें थोड़ी सी प्याज जो है वो बारीक कट करके डालें, एंड क्या कहते हैं उसको, मकदूनस यानी पार्सले ऐड करते हैं, तो ये बहुत टेस्टी सा आपका सोया सॉस यानी डिप सॉस रेडी हो जाएगा। तो जी मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और मैं रोज़ाना अच्छी कोशिश कर रही हूँ, आज थोड़ा सा व्लॉग शायद छोटा हो जाए, लेकिन आप लोग फिर भी प्यार और मोहब्बत ऐसी देते रहे, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो मिलेंगे अब हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, इलाली का बाय।